नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर जितेंद्र अढ़िया मेरा नाम है। गुनी गुरु के इस प्रोग्राम में मैं आपका स्वागत करता हूं। एक सवाल पूछो, आपका अल्टीमेट गोल क्या है? एक होता है इंटरिम गोल, यानी अभी चाहिए, अगले 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में। मगर ये इंटरिम गोल के पीछे एक अल्टीमेट गोल होता है। कभी सोचा है? मैं बता दूँ, हैप्पीनेस, खुशी, सुख। अब सवाल यह है कि कितने लोग खुश है, सुखी है? मेरे ख्याल से बहुत कम लोग। मैं 45 साल से पब्लिक लाइफ में हूँ। पहले एज ए डॉक्टर था, अभी मैं एज ए ट्रेनर हूँ। लोगों के साथ ही मेरा काम करने का रहता है। लोगों के सुख दुख मैंने देखे हैं। 99% लोग दुखी है, और उसमें से ज़्यादातर लोगों का दुख का कारण होता है उनकी हेल्थ। हेल्थ अच्छी नहीं है। आपको मालूम है स्वामी विवेकानंद को कितनी बीमारियाँ थी? 33। मैंने अभी तक ऐसे कोई भी पेशेंट नहीं देखे जिनको 33 बीमारियाँ थी। ये मुझे कैसे पता चला? मॉन्क एज ए मैन या मैन एज ए मॉन्क ऐसी एक किताब है, सरकार ने लिखी है। उस किताब में लिखा है कि स्वामी विवेकानंद हैड 33 इलनेसेस। अब दोस्तों, इतनी सारी बीमारियों के साथ इंसान सुखी कैसे हो सकता है? माइकल जैक्सन को कितनी बीमारी थी? भगवान जाने। उनका तो सपना था 150 साल जीने का, मगर नहीं जी सके। स्टीव जॉब के साथ क्या हुआ? 6 साल पैंक्रियाज कैंसर के साथ, पेन के साथ उन्होंने ज़िंदगी बिताई। दोस्तों, ऐसे कितने मैं एग्जांपल आपको गिनाऊं जिनको शरीर ने साथ नहीं दिया। शरीर ने साथ क्यों नहीं दिया? क्योंकि शरीर का हमने केयर नहीं किया, उसको संभाला नहीं हमने। हमको शरीर की तब वैल्यू लगती है जब हमारी हेल्थ चली जाती है। हेल्थ इज़ ओनली वैल्यूड व्हेन इट इज़ लॉस्ट। जब हमें बीमारी आती है ना, तब हेल्थ की वैल्यू समझ में आती है। देखिए, स्टीव जॉब ने मरते समय क्या कहा था मालूम है? उनके इंटरनेट के ऊपर वर्ड है, उसने कहा था, दुनिया में सबसे एक्सपेंसिव जो कोई बेड है ना, तो वो सिक बेड है। क्योंकि हमारी गाड़ी कोई चला सकता है, हमारे हर काम दूसरा आदमी कर सकता है, सिर्फ बीमारी का दर्द है ना हमें सहना पड़ता है। और इसलिए मुझे लगता है कि मैं ज़िंदगी में एक किताब पढ़ना मेरा रह गया, वो था बुक ऑफ हेल्दी लाइफ। वो कहता है मैंने हेल्दी लाइफ के बारे में कुछ सीखा नहीं और मैंने हेल्दी लाइफ जिया नहीं। दोस्तों, ये गलती बहुत सारे सफल लोगों ने की है, आप मत करिए। आप सफल तब माने जाओगे जब आपके पास बहुत सारा नाम होगा, काम होगा, अचीवमेंट होगी, साथ में आपका हेल्थ होगा, तब आप रियल सेंस में आप ये सुख को एंजॉय कर पाओगे। दोस्तों, अगर आपको हैप्पी होना है तो हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए। एक कहावत है, इफ़ यू हैव हेल्थ यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स, बट इफ यू डोंट हैव हेल्थ व्हाट एल्स यू हैव डज नॉट मैटर एट ऑल। कहने का मतलब है कि आपके पास अच्छा शरीर है, स्वास्थ्य है, तो आपको सुखी होने के लिए और कोई चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मगर आपके शरीर में स्वास्थ्य नहीं है, आप बीमार है, तो आपके पास दुनिया में क्या कुछ है उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। दोस्तों, सुखी होने के लिए सबसे पहले ज़रूरत है हेल्दी बॉडी। दोस्तों, अपने हेल्थ को टॉप प्रायोरिटी में रखिए, आपका सुख गारंटेड हो जाएगा। ऑल द बेस्ट।